हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ और बच्चों की बहुत ही ज्यादा फेवरेट रेसिपी है। आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पकोड़े। बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है गोभी की सब्जी, गोभी के पराठे, गोभी के पकोड़े। तो आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पकोड़े और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और बच्चों को किस तरीके से हम बनाकर दे सकते हैं वही प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में मैंने लिया है ये गोभी है और मैंने इस तरीके से इनको साफ कर लिया है। आप देख सकते हैं इनके इस तरीके के पीसेस निकाल लिए सारी गोभी से। ये देखिए छोटी साइज के हम पकोड़े तैयार करेंगे, तो ये इनमें डंडी होना बहुत जरूरी होता है, ऐसे बहुत अच्छे बनते हैं पकोड़े। तो ये मैंने एक बाउल लिया है और एक कटोरी मैंने लिया है बेसन। और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी बनाने जा रहे हैं और बहुत हेल्दी भी रहेंगे। मैंने हींग एक चम्मच हींग पूरी चम्मच भर के भिगाकर गर्म पानी में रख दिया है। और कुछ धनिया की पत्ती ली है, जीरा लिया है मैंने आधी चम्मच, और यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है ये थोड़ा लिया है आधी चम्मच, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, एक से डेढ़ चम्मच मैंने लिया है नमक जो हम दोनों चीजों में यूज करेंगे। तो और हमने फ्राई करने के लिए लिया है ऑयल। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है 2 ग्लास गर्म पानी, पानी हमारा खोल गया है। इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच नमक, और ये जो हमारी गोभी है हमने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था, इन्हें हम डाल देंगे। और इसे हम पकने देंगे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे। गोभी हमारी बॉईल हो रही है तब तक हम हमारा घोल रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम ये बेसन डाल लेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, जीरा डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, धनिया डालेंगे, और हमने ये जो हींग भिगा के रखी थी इसे हम इस तरीके से चलाते हुए डाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे, और अगर हम हींग को भिगा कर डालते हैं तो खुशबू भी अच्छी आती है और ये बहुत ही अच्छे से घुल जाती है। अब हम पानी डालेंगे और इसका मीडियम घोल तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा घोल रेडी हो गया है इस तरीके का, थोड़ा हमने ठीक रखा है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है इसे। तो ये हमारा घोल बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए और हमारी गोभी को चेक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुकी है, मैंने 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाया है और ये गोभियों का कलर चेंज हो गया है। और इस तरीके से हम दबा के देखते हैं तो ये दब जाती है, बहुत ज्यादा इसे बॉईल नहीं करना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन सारी गोभियों को इस तरीके से छानते हुए निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा घोल इस तरीके का है, और ये जो हमने गोभी को पानी से बाहर निकाल लिया है, अब इनको हम इनके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। और हमारा ऑयल चेक कर लेते हैं, इन्हें ठंडा होने के बाद ही हमें बनाना है, अगर गरम गरम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे नहीं बनेंगे। तो इन्हें हम कुछ पीसेस के डाल लेते हैं और अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अच्छा गरम हो गया है। और अब हमारे जो पकोड़े हैं बेसन के अंदर हम इस तरीके से डुबाते हुए इनकी जो डंडियां हैं इन्हें हम पकड़ते हुए इसे डाल देंगे। इस तरीके से हम सारे डाल देंगे। और इन्हें चलाते जाएंगे, लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि बहुत ही अच्छे से पक जाए। पकौड़े जो है बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इसी प्रोसेस में हम बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हैं, निकल गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और थोड़े से ठंडे होने का इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली बच्चों के पसंदीदा
पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और बच्चों की फेवरेट चटनी हो, जिस भी चीज से वो बच्चे पसंद करते हैं खाना, आप उनके साथ सर्व करके बच्चों को दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर सॉस के साथ सर्व किए हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताइए आपके बच्चों को ये रेसिपी कैसी लगी है, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को सीखने को मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग।